बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स नाउ में। और विराट कोहली की टीम को बधाइयां हैं, इस आईपीएल की दूसरी जीत आरसीबी ने दर्ज कर ली है, वो भी किसके खिलाफ, जिसने आरसीबी के बॉलर्स के खिलाफ 287 रन लगा दिए थे, और उसी टीम के खिलाफ आज आरसीबी को इस आईपीएल की दूसरी जीत नसीब हुई है, वो भी कहां पे, हैदराबाद के गढ़ में, यानी कि हैदराबाद के मैदान में। और उसमें सबसे ज्यादा योगदान मैं बोलूंगा वो बोलूंगा आरसीबी के गेंदबाजों का, जो कि सबसे ज्यादा सवालों के कटघरे में थे, जिन पे सबसे ज्यादा सवाल उठाए गए कि आरसीबी की बॉलिंग खराब है, आरसीबी की गेंदबाजी बकवास है। उसके बावजूद भी अगर आप देखें, जो करण शर्मा जो इनके लेग स्पिनर थे, उनको उन्होंने बिठाए रखा, लगातार दो गेम से वो खेल रहे, तीन गेम से वो खेल रहे हैं, और आरसीबी की परफॉर्मेंस आप डे बाय डे देखिए कि वो गेंदबाजी से अच्छा कर रहे हैं। लास्ट गेम अगर आपको याद हो आरसीबी का, जो केकेआर के अगेंस्ट था, जो कि आखिरी बॉल पे डिसाइड हुआ, वहां पे भी करण शर्मा ही थे, और करण शर्मा बॉलिंग से नहीं बैटिंग से आरसीबी को मैच जिताने वाले थे, लेकिन वो रह गए, चूक गए, आखिर में उनका कैच हो गया। रात गई बात गई, लेकिन इस मुकाबले में आरसीबी ने एसआरएच को चारों खाने चित कर दिया। आरसीबी ने एसआरएच का घमंड तोड़ा कि भाई ठीक है, फर्स्ट बैट करते आप किंग हो, चैंपियन हो, सब कुछ हो, लेकिन सेकंड बैट करते आपके बस की नहीं है, सेकंड बैट अगर आप करेंगे तो आप एक्सपोज हो जाएंगे, और वही किया आरसीबी के गेंदबाजों ने। शुरुआत में ही विल जैक्स को गेंद थमाई गई, और वहां पे उन्होंने ट्रेविस हेड का विकेट ले लिया, और वहां से जो उल्टी गिनती थी एसआरएच की वो शुरू हो गई। लेकिन बात करेंगे शुरुआत से, मुकाबला टॉस जीतते हैं फाफ डुप्लेसिस, और पहले करते हैं बल्लेबाजी का फैसला। कई लोगों ने इस फैसले को बहुत गलत ठहराया, और कई लोगों ने इस फैसले की सराहना की, और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि आरसीबी ये नहीं चाहती थी कि एसआरएच पहले बल्लेबाजी करे और बोर्ड पे लगा दे 250-350। एसआरएच की गेंदबाजी होती है, आरसीबी की बल्लेबाजी होती है, और आरसीबी बैटिंग करते हुए लगाते हैं बोर्ड पे 206 रन 20 ओवरों में। विराट कोहली का अर्धशतक आता है, रजत पाटीदार का अर्धशतक आता है, कैमरन ग्रीन का एक कैमियो आता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो हुई विराट कोहली के अर्धशतक की। आरसीबी यह मुकाबला तो जरूर जीत गई, लेकिन सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में जो अर्धशतक रहा वो विराट कोहली का था। 43 गेंदों में 51 रन, शुरुआत के पावर प्ले में तो अच्छा खेले, लेकिन बाद में जब स्पिनर्स प्ले में आए, पावर प्ले खुला, फील्ड खुली, विराट कोहली एक्सपोज हो गए। 25 गेंदों में आखिर के 19 रन बनाए, और ये विराट कोहली की इनिंग थी, और ये विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं, लेकिन अगर इसी तरीके से चलता रहा तो विराट कोहली का वर्ल्ड कप खेलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। विराट कोहली का अर्धशतक, 43 गेंदों में 51 रन, रजत पाटीदार का अर्धशतक, 20 गेंदों में 50 रन, 250 का स्ट्राइक रेट, ये रही पूरी विराट कोहली की इनिंग। और अब बोल सकते हैं कि रजत पाटीदार ने 50 रन बनाए, ठीक है, और आपके मैं बता दूं कैमरन ग्रीन 20 गेंदों में 37 रन, ठीक है, स्वप्निल सिंह 6 गेंदों में 12 रन, लेकिन उसके बाद जो असली गेम है वो तब शुरू होता है जब एसआरएच की बैटिंग आती है। एसआरएच का अगर स्कोर कार्ड देखें तो भाई अभिषेक शर्मा ने थोड़ा सा इंटेंट दिख, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा इंटेंट दिखाया, और वो लगातार दिखा रहे हैं, बट वो फंस गए यश दयाल की गेंद पर, कार्तिक ने उनको पीछे आउट कर लिया। 13 गेंदों में 31 रन बनाए अभिषेक शर्मा ने, हेड कुछ ज्यादा कर नहीं पाए, मैंने आपको बताया विल जैक्स ने उनका विकेट निकाला। मार्करम भी जल्दी चलते बने, स्वप्निल सिंह जो कि इंपैक्ट प्लेयर थे इस मुकाबले में, 8 गेंदों में 7 रन बनाए एडिन मार्करम ने। नीतीश रेड्डी 13 गेंदों में 13 रन, कैनरिक क्लासन 3 गेंदों में 7 रन बनाकर आउट हो गए, शाहबाज अहमद ने थोड़ा सा जिगरा दिखाने की कोशिश करी, थोड़ा सा कैमियो खेला, उन्होंने अच्छा खेला, अब्दुल समद 10 रन बनाकर आउट हो गए, पैट कमिंस ने नीचे से आतिशी बल्लेबाजी कर दी, 15 गेंदों में 31 रन की पारी उन्होंने खेली, और ये बता दिया कि भाई ये गेम एसआरएच जीत सकता था, पर उनके शुरुआत के जो टॉप ऑर्डर का जो बैटर्स थे उन्होंने साथ नहीं दिया, वो कोलैप्स कर गए। हालांकि होता है, कोई बात नहीं, एसआरएच ने थ्रू आउट द टूर्नामेंट अच्छा खेला, अभी आगे और भी मुकाबले हैं, वहां से वो कमबैक कर सकते हैं। क्या आरसीबी यहां से अपने सारे मुकाबले जीतकर प्लेऑफ में जा सकता है, ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब नहीं किया है स्पोर्ट्स नाउ को तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। फिलहाल चलते हैं, जय हिंद जय भारत।